आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज हम अतीत भाग 1, ये आपके अतीत भाग 1 है, इसका सेकंड लेसन करेंगे व्यापार से साम्राज्य तक। पहले ये बताएंगे कि व्यापार से साम्राज्य तक का मीनिंग क्या है। व्यापार से साम्राज्य तक का ये बात कही गई है अंग्रेजों के लिए, जो कि हमारे देश में एक व्यापारी बनकर आए थे, परंतु धीरे धीरे उनके जो उनका जो लालच था, उन्होंने साम्राज्यवाद की नीति को इतना लागू बढ़ा दिया कि वो हमारे देश पर शासक बन बैठे। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था, जो मुगल बादशाह लास्ट जो मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब थे। औरंगजेब जो थे वो अंतिम मुगल बादशाह थे। बाद में धीरे धीरे जो उनके शासन के बाद जो वहाँ के मुगल के जो सूबेदार जमींदार और वो जो ताकतवर लोग थे, उन्होंने अपनी रिसाइतें सामित कर ली थी, और जो दिल्ली में अधिक दिनों तक जो था मुगल बादशाहों का शासन नहीं ठहर पाया था। और क्या हुआ था कि जो कंपनी थी, जो छोटी छोटी व्यापारी कंपनी थी, वो भारत में आए थे और अपनी दिलचस्पी दिखाने लगे थे। किसके लिए? व्यापार के लिए, क्योंकि इंडिया जो है शुरू से ही किसके लिए उसके लिए काली मिर्च यानी मसालों के लिए, दालचीनी वगैरह है, और उसके सूती कपड़े के लिए बहुत ज्यादा फेमस था इस वजह से। तो यहाँ पर पढ़ेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि 1600 ईस्वी में जो महारानी अलीथा वेस थी, उन्होंने एक इजाजतनामा हासिल कर लिया था कि भाई वो जो है भारत के साथ, यानी कि भारत का जो पूर्वी भाग है उसके साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। सॉरी। इस प्रकार उनके व्यापार के लिए जो है, धीरे धीरे जब उनका व्यापार बढ़ने लगा तो समुद्री रास्ते से जो और भी जो वाणिज्य लोग थे, जैसे कि डच थे, और भी जो बहुत सारे विदेशी लोग थे, वो इंडिया की तरफ उनका खिंचाव होने लगा। किसके लिए? व्यापार के लिए। तो सबसे पहले 1498 में क्या हुआ था, वास्को डी गामा 1498 में एक पुर्तगाली था नाभिक, जिसका नाम था पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो कि भारत में उसने कालीगढ़ के एक रास्ते से आया था। इस तरह से उसने देखा कि भारत के साथ किस तरह से व्यापार किया जा सकता था की जा सकती है। तो इसमें समस्या ये थी कि यूरोप के जो बाजारों में बाहरी कपड़ा जो हमारा जो इंडिया का था, लौंग इलायची दालचीनी की बहुत ज्यादा मांग थी, और जो यूरोपीय कंपनी थी उनमें जो इन चीजों की मांग जो है एक दूसरे पे व्यापार में बढ़ने लगा था, क्योंकि कुछ तरह से यहाँ से प्राप्त करके माल जो है वहां पर बेचा जा सके। इसलिए यूरोप में भारत से जो ये चीजें प्राप्त होती इनसे जो बना हुआ माल था वो काफी मात्रा में बिकने लगा। और जो इनसे क्या हुआ, अब इन व्यापार को चलाने के लिए क्या होता था, व्यापार को चलाने के लिए इन्होंने ये माना कि भाई अगर हमें देश इंडिया के साथ व्यापार करना है तो हमारे जो आसपास जहां हम व्यापार करेंगे वहां पर अंग्रेजों की एक किलेबंदी भी होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने धीरे धीरे व्यापारियों ने जो भारत के विदेशी जो व्यापारी थे उन्होंने किलेबंदियां रखी। उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू हुई, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुगली नदी के किनारे, कोलकाता में कौन सी नदी है, हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे पर जो है व्यापारियों ने अपना जो काम जमाना शुरू करा। और इन व्यापारियों को क्या कहते थे, इन व्यापारियों को कहते थे फैक्टर। क्या कहा जाता था? फैक्टर। जो ये व्यापारी अपना काम जमा रहे थे नदी के किनारे, इनको फैक्टर कहा जाता था। और ये क्या करते थे, ये उन चीजों को जमा करते थे, निर्यात होने वाली चीजों को क्या करते थे, जमा किया जाता था। और उनके जो उन पर सौदागर जो थे आसपास आकर जो है इन कंपनियों के आसपास आकर बसने लगे थे। और धीरे 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 उन्होंने क्या करा, अपने जो है किले बनाने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले जो इन्होंने किला बनाया था कालीकत्ता में बनाया था, जिसको कलकत्ता के नाम दिया गया बाद में, कलकत्ता में बनाया गया। कंपनी ने मुगल सम्राट जो वहां के मुगल सम्राट थे औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया भाई, जो वहां के अंग्रेज थे भाई बिना शुल्क दिए हुए, यानी कि कोई भी टैक्स दिए बिना जो अंग्रेज हैं वो क्या करेंगे, कलकत्ता में अपनी व्यापारिक कंपनियां लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक आपको पिक्चर दी गई है, इसमें क्या है कि जो बंदरगाह है हुगली नदी के किनारे जो बंदरगाह है उसमें से नौकाएं जो है उसमें से सामान लाया जा रहा है। तो सामान जो है इंडिया से बाहर बनकर बाहर पहुंचाया जा रहा है, बाहर से जो माल बनकर यहाँ पर बेचा जा रहा है। इस तरह से जो बंगाल के जो राजा थे उनके साथ एक फरमान जारी कर लिया था, कभी जो अंग्रेजी सरकार है वो इंडिया के साथ बिना शुल्क के क्या करेगी, व्यापार करेगी। अब इससे क्या था, जो और भी जो अफसर थे अब उनमें भी होड़ लग गई कि भाई जब जो और कंपनियां हैं वो भी व्यापार नहीं दे रहे तो हम वो नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे,
तो हम टैक्स क्यों देंगे। इस तरह से क्या हुआ, जो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने इस बात का विरोध किया भाई कोई भी अंग्रेज जो है उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे, इस तरह से बिना टैक्स के व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि वो टैक्स से ही क्या होता था, जो हिंदुओं का जो शासन था वो उसकी सेना का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सारा चलता था। अब जब अंग्रेज ही टैक्स नहीं देंगे और अपने व्यापार को करेंगे तो उनका खर्चा किस तरह चलेगा। इस तरह मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया और बाद में व्यापार से युद्ध होता। और उसके बाद क्या हुआ कि 18वीं सदी में जो बंगाल के नवाबों में और जो कंपनी के जो शासक थे उनके बीच में क्या हो गया, टकराव हो गया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बंगाल के जो नवाब थे वो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, ऐसे कई शासक हुए जिन्होंने कंपनी को यहाँ पर व्यापार करने के लिए मना कर दी। क्यों मना कर दी, क्योंकि कंपनी जो थी कोई भी टैक्स बंगाल में नहीं देती थी, कलकत्ता में नहीं देती थी। इससे क्या हुआ भाई, जो उसका शासन था बंगाल का जो शासन था वो ठप होता जा रहा था क्योंकि कोई टैक्स नहीं मिल रहा था। अब टैक्स नहीं मिलेगा तो किस तरह से वो काम होगा, तो इस तरह से ये व्यापार जो है युद्धों पर शामिल हो गया कि अब कंपनी और जो बंगाल के जनवाब थे उनके बीच क्या शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। तो ये यहाँ तक था। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई प्लासी का युद्ध किसके बीच है। प्लासी का युद्ध 1756 से 1757 में सिराजुद्दौला और किसके बीच होता था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और जो वो था, जो सिराजुद्दौला का जो वो था सेनापति जो था उनके साथ जाकर मिल गया था। और इस तरह से सारा जो सिराजुद्दौला जो काफी समय तक इनके साथ लड़ा था, राइट रॉबर्ट क्लाइव को इसके लिए भेजा गया था, परंतु काफी समय तक सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में इनसे लड़ते गए, परंतु फिर भी उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में उसको हरा दिया। किसको, सिराजुद्दौला को। और उसके बाद वीर जाफर जो इसका सेनापति था, सिराजुद्दौला जो अंग्रेजों से मिल गया था, उसको सेनापति बना दिया गया, उसका शासक बना दिया बंगाल का। और जो मीर जाफर था वो एक तरह से उसकी कठपुतली थी, हाथों की अंग्रेजों की कठपुतली थी, कि वो जो कुछ जो बंगाल में जो भी कार्य होते थे वो अंग्रेजों के कहने पर होते थे, परंतु कौन करता था, मीर जाफर करता था। इस तरह से सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया गया और मीर जाफर को बता दिया गया। मीर जाफर को हटाकर बाद में क्या करा, मीर जाफर को हटा दिया गया, उसके बाद मीर कासिम को उसकी गद्दी पर बैठाया गया। इस तरह प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी का युद्ध को प्लासी का नाम क्या जाता था, प्लासी का मतलब होता है कि प्लास के फूल। तो जहां पर ये स्थान पर जहां पर युद्ध हुआ था प्लासी में, वहां पर प्लास के फूल ज्यादा होते हैं जो कि रेड कलर के होते थे। इन फूलों से क्या बनाया जाता है, गुलाल बनाया जाता है, होली का गुलाल होता है वो बनाया जाता है। इसलिए इस स्थान का नाम क्या था, प्लासी था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से करेंगे। आज तक आपने पढ़ा कि प्लासी का युद्ध क्या है और अंग्रेज किस तरह से इंडिया के अंदर आए थे, कल से पढ़ेंगे कि कंपनी के अफसर किस तरह से नवाब बन बैठे थे। थैंक यू।